वही दो तीन क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लास्ट वर्स में लिखा है कि राधा कुंड में जो एक बार भी स्नान कर लेता है उसके अंदर प्योर भक्ति अराउज हो जाती है, तो फिर प्रभु जी सब लोग ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते कि एक बार कर लें, और इस्कॉन में तो मना भी करते हैं वैसे तो ऐसे। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे अभी बताया भक्ति के 64 अंगों में से 10 मुख्य हैं, तो पहले वाले 10 होंगे गुरु शरणागति, तो आगे वाले 44 भी ढंग से होंगे। ऐसे ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम, है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेदि धीरा। जो धीरवान व्यक्ति इन वेगों को वश में करता है, मन का वेग, वाणी का वेग, है ना, अपने उदर का वेग, अपने काम वासनाओं का वेग, इनको जो कंट्रोल करेगा वही व्यक्ति पृथ्वी में शिष्यात पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। अब किसी व्यक्ति ने 6 वेग वश में किए हो, फिर दूसरा आता है उत्साहत निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात, है ना, जो व्यक्ति उत्साहित हो निश्चित हो डिटरमाइंड हो भक्ति में, फिर उसके बाद अगला श्लोक आता है कि अत्यहारा प्रयासा प्रजल्पा च नियम आग्रह संग त्यागा सतोवृत्ति षडभिर् भक्ति विनश्यति। अगर वो व्यक्ति ये 6 काम ना करे, ये 6 काम करे, फिर आता है ददाति प्रतिगृहणाति गुह्य मच्छाति प्रचिति भोंगते भोंगते चयवा षडविधा प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण आएगी जब वो 6 कार्य करे, जब ये करने का सीक्वेंस आएगा तब 5वां आएगा कि नाम के प्रति किस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न करें, 3 प्रकार के भक्त कैसे होते हैं, नाम कड़वा क्यों लगता है। जब ये सब चीजें हो जाए तब वो व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करने योग्य बनता है, डायरेक्ट जाकर नहीं कर सकता। अगर 6 वेग वश में नहीं है तो राधा कुंड में स्नान करने से नरक में चला जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे हम बाहर से फ्लावरी लैंग्वेज बोल देते हैं डिवोटीज को, पर मन में बड़ा गंदा चल रहा होता है, मतलब नेचुरली यही है कि किसी के अच्छे दिखते ही नहीं है। गॉट योर पॉइंट। तो अगर आपको बाहर से आप फ्लावरी बोलते हो और अंदर से गंदा चल रहा है तो क्या मतलब बाहर से भी गंदा बोले? तो बेटर है, प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट फेक इट एंड वन डे यू विल मेक इट। तो आप जब किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं लेकिन अच्छा बोल रहे हैं तो क्या अच्छा बोलेंगे? कुछ ना कुछ गुण तो देखकर बोलेंगे ना, ऐसा झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो जो गुण देखते देखते आपकी दृष्टि बदल जाएगी, फिर आप सब में आपको गुण दिखाई देंगे, है ना, तो आपकी वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाएगी, वन डे इट विल फैनिश। बट फर्स्ट फेक इट, अच्छा बोलो, मन से धीरे धीरे चला जाए। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे आता है कि श्रवण कीर्तन से जो सिंचाई होती है भक्ति लता पौधे की, और वो भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है, तो फिर वो कैसे मिलेगा? तभी तो फिर उसका फायदा है ना श्रवण कीर्तन का, वरना तो ऐसे ही करते रहेंगे जैसे आपने बताया कि बहुजन करी फिर भी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवः गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कई योनियों में घूमे, सुअर बने, कुत्ता बने, हाथी बने, घोड़ा बने, ऊंट बने, सारी 80 लाख योनियां पार हुई, तब 4 लाख मनुष्य में प्रवेश किया, उसमें भी सारे प्रकार के मनुष्य बने, अफ्रीका में मगरमच्छ खाए, है ना, जंगलों में हमने इंसान खाए, प्रेत बने, पिशाच बने, सारी योनियां पार करके अब मनुष्य योनि आई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों ने बताया बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये मिल गया तो ब्रह्मांड भ्रमित है कौन, इसमें भी कौन भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण कृपा पावे। सबसे पहले कृपा किसकी होगी? कृष्ण की, कृष्ण की। कृष्ण की कृपा कैसे होगी? अंतर आत्मा में चैत्य गुरु रूप में कृष्ण बैठे हैं, वो देखेंगे इस व्यक्ति की डिजायर है कि इसको गुरु चाहिए, गाइड करने वाला व्यक्ति चाहिए, मेरी आवाज ये सुन नहीं पा रहा, तो फिर जीवन में एक वैष्णव आएंगे जो आपके गुरु बनने योग्य होंगे। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलेंगे और फिर गुरु आपको गाइड करेंगे कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे। दिस प्रोसेस गोज ऑन, और फिर इस प्रोसेस के अंदर ही श्रवण कीर्तन से वो बीज जो मिला है भक्ति का वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो भक्ति बीज का मतलब है जिस दिन आपके हाथ में जप माला आ गई, जिस दिन आपको पता चल गया 64 भक्ति के अंग क्या है, जिस दिन आपको गीता भागवत की महिमा समझ में आ गई, एंड दिस इज द बीज ऑफ भक्ति, आपको सीड मिल गया है। आप कितना आप ग्रो करेंगे ये आपके ऊपर, आप पानी मत डालिए, श्रवण कीर्तन मत करिए, वैष्णव संग मत करिए, अपनी मन मर्जी जीजिए, उबला हुआ बीज कभी फल नहीं देता, बीज को उबाल दीजिए पानी में, बीज तो है लेकिन फल नहीं देगा। ऐसे लोगों के पेड़ पौधे तो होते हैं, बीज तो मिलते हैं सबको, लेकिन सब अपने बीजों को नष्ट करके अपने अपने घरों में मस्त रहते हैं। तो जो अपने बीज का ख्याल रखता है वही बीज लता बनता है, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचता है। प्रभु जी एक और पूछ लूं, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति हेतु की अप्रतिहता, और सुनने में भी अच्छा लगता है कि जब सुन रहे होते हैं उस वक्त खाली, पर प्रभु जी मन में अंदर ये रह ही जाती है वासनाएं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, मतलब जाए ना कुछ प्रभु जी, तो ये वासनाएं कैसे जाएंगी? सो स्लोली ग्रेजुअली वी शुड स्टार्ट ट्रेनिंग अवर माइंड, इट्स ऑल अ गेम ऑफ अ माइंड, है ना, सब मन का खेल है।
तो अपने मन से थोड़ी थोड़ी प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास कैसे करेंगे, जैसे एकादशी के दिन कोशिश करें भोजन के प्रति आसक्ति छोड़े, है ना। सुबह मंगल आरती कोशिश करें, रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन उठें, मंदिर आए, इस्कॉन द्वारका के पास रहते हैं तो उठें, मंगल आरती आए, दर्शन करें ठाकुर जी के, अपनी नींद को छोड़ने की हैबिट। तो जब ये हैबिट्स धीरे धीरे छूटे, चाय पीने की हैबिट छोड़ो, मांस खाने की हैबिट छोड़ो, लहसुन प्याज खाने की हैबिट छोड़ो, एक जगह बैठकर जप करने की हैबिट शुरू करो, 16 माला नहीं हो रही तो 4 माला करो, तो स्लोली ग्रेजुअली हैबिट फॉर्मिंग करनी है। कुछ चीजें छोड़ो, कुछ चीजें पकड़ो, आध्यात्मिक धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर अंदर से डिजायर्स फिर सब खत्म हो जाते हैं। आप देखेंगे खुद ही ईयर बाय ईयर मंथ बाय मंथ डे बाय डे ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन इन योर हार्ट इफ यू फॉलो। फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आरती मैंने पूछा कितने लोग जानते थे, बोले हमें नहीं आती। अब जो फॉलो नहीं कर रहे, वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूं तो वो उसको सुन नहीं रहे, किसी और का यूट्यूब में सुन रहे हैं, तो ऐसे लोग फिर कभी ग्रो करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के वीडियो देख रहे हैं बैठ के, कॉमेडी चैंपियन देख रहे, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, समय तो गुजार रहे हैं लेकिन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सो दे विल नेवर ग्रो, उनका वो अपना बीच उबाल उबाल के खत्म कर रहे हैं अपना बीच। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।